शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में ले जाया जा रहा है, आप लोग देखें फिर उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसको उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए। फिर यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर एएनआई ने दिल्ली के एनसीबी के अधिकारियों के हवाले से एक खबर जारी की कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, इसका एनसीबी से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। अगर ये एनसीबी का अधिकारी नहीं तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथा कथित, उसे वो घसीटते हुए, लाइट चालू करो, घसीटते हुए एनसीबी कार्यालय में कैसे ले जा रहा था, ये एनसीबी को बताना पड़ेगा कि इसका और एनसीबी का क्या कनेक्शन है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दूसरा एक आरोपी है अरबाज सेठ मर्चेंट, उसे भी एनआई ने फीड रिलीज की, जिसको एक व्यक्ति पकड़ के एनसीबी कार्यालय में ले जा रहा है। शुरू से लगा, शुरू से ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो मरून शर्ट वाला है, मैं इसको दे देता हूं आपको, देख लेना आप लोग दोनों फीड। ये एनआईए एजेंसी ने जारी करने का काम किया है। पहले वाले से एनसीबी ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। यह भी एनसीबी का अधिकारी नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो, मनीष भानुशाली का। मनीष भानुशाली और फोटो, नेक्स्ट नेक्स्ट, राष्ट्रीय है, मुंबई का है, ये बीजेपी बताएगी। उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो आशीष सेलार के साथ है, नड्डा साहब के साथ है, केंद्रीय मंत्री रेल राज्य मंत्री के साथ है। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज, एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, तीन दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेट को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे, या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया,
या आठ ही लोग।